एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी के बाद ममता के मंत्री पार्थ के एक और करीबी पर शिकंजा कस सकता है, ये नाम है मोनालिसा दास का। सूत्रों के अनुसार अब मोनालिसा दास पर छापा मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अर्पिता मुखर्जी के बाद ममता के मंत्री पार्थ के एक और करीबी पर शिकंजा कस सकता है, पार्थ चैटर्जी के एक और करीबी पर अब शिकंजा कस सकता है, यह नाम है मोनालिसा दास का। सूत्रों के अनुसार अब मोनालिसा दास पर भी छापामार कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पार्थ चैटर्जी का फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा। अब उद्योग मंत्री की एक और करीबी पर शिकंजा कसेगा, पार्थ चैटर्जी की करीबी यानी कि मोनालिसा पर शिकंजा कसेगा। यह तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी हिरासत में ली गई हैं और उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। और बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर पर पश्चिम बंगाल पुलिस भी पहुंची है। आगे इस मामले को लेकर और क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा, लेकिन एक और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि अब पार्थ चैटर्जी की एक और करीबी मोनालिसा पर भी कार्रवाई हो सकती है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मनोज्ञा लोहवाल हमारी सहयोगी जुड़ गई है। मनोज्ञा, अब शिकंजा मंत्री के करीबियों पर भी कसा जा रहा है, इसमें एक और नाम मोनालिसा का भी जुड़ गया है ये माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि मोनालिसा दास के साथ ऐसे और भी कई लोग हैं जिनके नाम इसमें जुड़ते चले जाएंगे। ये पहली गिरफ्तारी है पार्थ चैटर्जी की पश्चिम बंगाल के मंत्री की, और उसके बाद अब बाकी नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें एक और अर्पिता मुखर्जी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोनालिसा दास हैं। मोनालिसा दास द्वारा मिले गए उनके वहां पर जांच के दौरान मिले दस्तावेजों में अधिकतर ऐसे हैं जिसमें बीरभूम में 10 से ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, खरीदी गई हैं, और जिनके जो मनी ट्रेल है उसमें कोई सफाई या क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारियां होने की पूरी संभावना है। तो मनोज्ञा, ये माना जाए कि जल्द इनके ठिकानों पर पहुंचेगी कार्रवाई के लिए टीम, एक के बाद एक नाम है, इनमें पहले जांच हो रही है लेकिन दस्तावेजों में पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती है और ईडी को भरोसा नहीं हो जाता है कि यहाँ पर जो मनी ट्रेल है वो उसमें कोई डाउटफुल चीजें रही है, तब तक ये गिरफ्तारी होने की संभावना नहीं है। लेकिन इस जांच के आधार पर जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनमें अब ये नाम शामिल होने से अपने आप कई लोग और सवाल। मनोज्ञा, एक खबर क्योंकि और मिल रही है लगातार कि पश्चिम बंगाल पुलिस भी क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंची है, तो लगातार ये जो एजेंसियां इनके बीच भी अब सवाल जवाब होंगे, टकराव की स्थिति होगी। ठीक मनोज्ञा, आपसे जुड़ने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको अभी तक के जो बड़े अपडेट्स हैं वो दे देते हैं। मोनालिसा दास पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है, लेकिन अभी ईडी को और सबूतों का इंतजार है, पूरा जो ट्रेल है वो देखा जाएगा और उसके बाद क्या मोनालिसा की गिरफ्तारी होगी ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि मोनालिसा दास का भी नाम इसमें सामने आया है। सबूत इकट्ठे किए जाएंगे ईडी की तरफ से और उसके बाद कार्रवाई होगी। फिलहाल आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी जो कि पार्थ चैटर्जी की करीबी है, उनको हिरासत में लिया गया है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की भी खबर है। माना जा रहा है कि शिक्षा भर्ती घोटाले के आरोप में मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया है और उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल कुछ अधिकारियों और ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है, और अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक 21 करोड़ कैश बरामद किया गया है, साथ ही 50 लाख के गहने भी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद किए गए हैं, और अब मोनालिसा दास का भी नाम सामने आ रहा है। और हमारे साथ वकील तौसीफ खान भी जुड़ गए हैं, उनसे हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तौसीफ खान जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लगातार कार्रवाई हो रही है और सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या ओपिनियन आपका? तौसीफ खान जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने माइक को पहले अनम्यूट करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, am I audible now? जी, कहिए।
जी देखिए, ये मामला जो कि एलिज्ड स्कैम है, रिक्रूटमेंट स्कैम का, एसएससी का, ये काफी पुराना मामला है। जिस समय में कहते पार्थो चैटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उस इस इन्वेस्टिगेशन में पूरे तरीके से वो कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी पूरा मामला चल रहा है। जहां तक पैसे की रिकवरी की बात है, तो वो एक इंडिविजुअल से के घर से रिकवरी हुआ है, एलिज्ड ये सारी एलिगेशन है, ये सारी कोर्ट में तय इसकी पुष्टि होनी बाकी है। और जो एक मंत्री के तौर पे, एक भारत के नागरिक के तौर पे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोऑपरेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, वो हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी एक मंत्री जो कि दिन भर में दर्जनों सोशल प्रोग्राम अटेंड करते होंगे, और स्टेज में उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर केवल एक पिक्चर के, एक फोटो के बड़ी बात आप कहेंगे कि ये जो है किंग पिन है, तो ये गलत होगा। क्योंकि अभी हाल में ही जब उदयपुर की किलिंग हुई थी, तो जो शख्स वहां पे किलिंग में शामिल था, उसका पिक्चर भी तो अमित शाह जी के साथ स्टेज शेयर करते हुए मिला, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। जहां तक तृणमूल पार्टी की बात है, स्टेटमेंट आ चुका है कि इस पैसे की रिकवरी से तृणमूल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पैसे कहाँ से आए, इसकी जवाबदेही लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो पैसे मिले हैं वो सरकारी लिफाफे में मिले हैं, मंत्री का भी जिक्र है इन लिफाफों पर। इस पर क्या रिएक्शन आपका? नहीं, अब मैंने सुना बहुत सारे वक्तव्य, मैंने सुना कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये उसी जमाने का पैसा है। तो एक कॉमन सेंस की बात मैं पूछता हूँ कि ये स्कैम जो कि आज से 5-6 साल पहले का स्कैम है, और भी पुराना स्कैम है, तो मान लीजिए ये पैसे उसके अगर उस कनेक्शन से है, तो कोई इतने साल से क्यों उसे अपने घर में रखा रहेगा, अगर जबकि मामला की छानबीन कर रही है, बहुत ही एक मतलब हाई प्रोफाइल मैटर है, तो कोई अपने घर में अगर ऐसा कुछ है एविडेंस तो क्यों रखेगा? ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कोई भी किसी को भी क्लीन चिट दे दिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि मामले की तश्वीश हो, और उसके साथ जो कोऑपरेशन करना है, जिनके खिलाफ एलिगेशन है, वो कोऑपरेशन होना चाहिए एजेंसीज के साथ में। साथ ही साथ में ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि ईडी, सीबीआई, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है, ये सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट में ही क्यों एक्टिव है? बीजेपी स्टेट में ये क्यों नहीं एक्टिव रहते, जहाँ करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला होता है, जहाँ पे बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पे ये खामोश क्यों हो जाते हैं? तो फिर ये एक पॉलिटिकल मोटिव इसके पीछे आ जाता है। जहां तक के अभी जो बंगाल में जो चल रहा है, उस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, और उस पे जो भी आप कह रहे हैं कि सहयोग कर रहे हैं और कोऑपरेशन भी हो रहा है, लेकिन जो अर्पिता मुखर्जी कोऑपरेट कर रही हैं, और उन्होंने जो ईडी को अपने सवाल के जवाब में बताया है, कहा है कि जो रिश्वत की रकम है वो नीचे से ऊपर तक जाती है। अब किसको जाती है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये इन बातों का उन्होंने जरूर खुलासा किया है। और जो लिफाफे उनके घर से मिले हैं, सरकारी लिफाफे हैं, जिसमें पार्थ चैटर्जी का नाम है, वो तस्वीर भी अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, देखिए आप भी। ये तस्वीर में दिख रहा है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अब ये जरूरी तो नहीं, ये इसकी तो पुष्टि होनी बाकी है कि ये इन्वेलप किस जमाने का इन्वेलप है, कब ये आया, इसके पीछे बहुत सारी तफ्तीश का हिस्सा है। हम तो कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक जगह इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहां पे आपको पॉलिटिकल कुछ एंगल दिखता है, आप दूसरे जगहों पे आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? आप नॉन बीजेपी स्टेट्स में बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, वहां पे आप क्यों नहीं करते? यहाँ तो तृणमूल पार्टी ने बहुत क्लियरली कहा है कि पैसे जो रिकवरी हुए उससे तृणमूल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक इंडिविजुअल है जो के जिनका फोटो वायरल हो रहा है कि मंत्री के साथ वो कभी स्टेज पे खड़ी थी, तो और इसी का मैं आपको हवाले दे रहा हूँ कि वहां जो टेररिस्ट था उदयपुर में, वो भी तो अमित शाह जी के साथ खड़ा था, तो अमित शाह जी को हम टेररिस्ट मान ले? मुझे एक बात बताइए कि लगातार, क्योंकि चाहे दिल्ली में कार्रवाई हो रही है या फिर आप जैसा बता रहे हैं नॉन बीजेपी स्टेट में,
क्या कॉपरेशन करने के बजाय ये आरोप लगाना ठीक है कि केंद्र सरकार की मिलीभगत से या फिर केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस से ये एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं? आप मुझे एग्जांपल दीजिए, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए और जहां घोटाले सामने आ रहे हैं? मैं तो चाह रही हूं कि आप सवाल उठाएं, आप बताएं। घोटाले सामने, घोटाले बिल्कुल है, चाहे वो व्यापम स्कैम हो। देखिए, जो कुछ जो मुझे याद है तो मैं आपको बोल देता हूँ, वरना ये सारे लिस्ट है, ये लिस्ट आप भी निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल सकता हूँ। तो आप कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को ले लीजिए, अब आप मध्य प्रदेश का जैसे मैंने हवाला दिया, और उत्तर प्रदेश में तो भाई क्या ही कहने हैं। लेकिन ये सारे, एक भी आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में ईडी ने कोई अरेस्ट किया हो, सीबीआई ने कोई छापा मारा हो, इनकम टैक्स ने कोई नोटिस भेजा हो, वो नहीं करेंगे ऐसा। वो बस इलेक्शन के करीब होते हैं या फिर जब उनका अपना अपनी उनके काम कमियों को छुपाना होता है, तो ये एक टीवी में एक न्यूज बनाए जाए तो इसलिए हरकत में आ जाती है ईडी या सीबीआई। कहना है कि उनके पास, लेकिन उसके बावजूद सबूत है और उन सबूतों के आधार पर ये कार्रवाई की है। ईडी ने पहले पूछताछ की, असमर्थ रहे पार्थ चैटर्जी उन सवालों का जवाब देने में, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो एक प्रक्रिया है कानून के हिसाब से वो चल रही है। बिल्कुल, कानून की प्रक्रिया चलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हर स्टेट में कानून की प्रक्रिया चलनी चाहिए। अभी तक तृणमूल पार्टी ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो वक्त आते ही वो स्टेटमेंट देंगे। लेकिन कल तक जो बयान आया था वो ये कि इस पैसे की रिकवरी से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पैसा जो है पार्टी के मेंबर से नहीं, के घर से नहीं निकाला गया, जो एलिगेशन है कि अर्पिता मुखर्जी के घर से निकला। तो अर्पिता मुखर्जी पार्टी की कोई पद अधिकारी नहीं है, तो ये एक इंडिविजुअल है और वो अपना जवाब देंगे कि हाँ वो पैसा कहाँ से आया। तो तौसीफ खान जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता भी दूध के धुले नहीं हैं, कम से कम ये तो आप मानते हैं, है ना? इसके पहले रूपा गांगुली जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है तो आपकी जो स्टेट की एजेंसी है उनको भेजिए उनके घर, वो तैयार हैं, वो अपनी अलमारी की चाबी निकाल कर देने के लिए तैयार हैं कि जो आपको दस्तावेज देखने हैं, खंगालने हैं, आप खंगाल लीजिए, वो सपोर्ट करने, कोऑपरेट करने तैयार हैं। उन्होंने तो कह दिया ये। नहीं, देखिए, जो ज्यूरिसडिक्शन होता है जैसे इनकम टैक्स का या सीबीआई का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो ईडी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, तो ये तो स्टेट पुलिस के पास में नहीं, ये सेंट्रल एजेंसीज है। तो स्टेट पुलिस के पास में जो होता है और जो पावर है, जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है, उसके तहत तो उन्होंने कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी करप्शन हो और ममता बनर्जी खामोश बैठी रहे, या कहीं पे भी अन्याय हो ममता बनर्जी खामोश बैठी रहे, ऐसा नहीं है। एक्शन तो लेते ही है। सवाल उन पे उठता है जो जिनके पास में देश का खजाना है, जिनके पास में जिम्मेदारी है सारे देश का, जिनके पास में सारे राज्यों से टैक्स कलेक्ट करके जहां जाता है प्रधानमंत्री के पास में, सवाल उनके है कि उनके कंट्रोल में जो सारी सेंट्रल एजेंसीज है वो क्यों सिर्फ नॉन बीजेपी एंटिटी के खिलाफ एक्शन लेती है, और जहां बीजेपी के सरकार या बीजेपी के नेता कहीं इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ चुप्पी क्यों साथ दे लेते हैं? इससे तो यही साबित होता है कि ये पॉलिटिकल एक्शन है। तो तौसीफ खान जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ही कार्रवाई हो रही है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, किनारा कर लें, अच्छा सवाल है आपका, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम किनारा कर लें, अगर हम बात करें उन राज्यों की जहां पर ईडी लगातार जाकर कार्रवाई कर रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम सामने आया है, 20 मोबाइल फोन मिले हैं, 8 फ्लैट्स के कागजात भी मिले हैं और कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनको खंगाला जा रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लेन देन की खबरें हैं जिसमें पार्थ चैटर्जी का नाम मिला है, सामने आया है, तो कार्रवाई क्यों ना हो, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करें, हम तो ये नहीं कह रहे कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम तो ये कह रहे कि कानून की जो प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाए, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाया जाए। हम तो सवाल उस पे उठा रहे कि ये सिर्फ एक तरफा एक्शन ही क्यों लिया जाता है। हम एक कॉमन सा सवाल उठा रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ये सारी जो इल्जाम है
कि ये रिक्रूटमेंट स्कैम के टाइम पे ये सारे पैसे कलेक्ट किया गया, तो कोई 5 साल 7 साल से उस पैसे को क्यों रखा रहेगा, कोई वो एनवेलप को अपने घर में क्यों रखा रहेगा, इसके पीछे भी क्या रीजन हो सकती है, इसकी भी छानबीन की जाए। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी तो कुछ साफ नहीं हुआ, अभी तो कोई आगे क्या खुलासे होते हैं। तौसीफ खान जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ये कार्रवाई ठीक है आपके हिसाब से, अगर आप कानून की दुहाई दे रहे हैं तो ठीक है? मतलब अगर कार्रवाई दूसरे राज्यों में भी होता, अगर कार्रवाई बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी होता, तो मैं बोलता कि हाँ कार्रवाई ठीक है, लेकिन ये तो एक तरफा कार्रवाई है, ये पॉलिटिकल एक्शन है। ठीक, बहुत शुक्रिया तौसीफ खान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।